राम, गुरुजी सीताराम। अब बारी आती है ये लाल चुनरी यहाँ पर बांधने के लिए। जय श्री राम। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बागेश्वर धाम में। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा बागेश्वर धाम, और यहां पर कैसे आए, रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें और मंदिर में दर्शन कैसे करें, दर्शन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमको बाबा बागेश्वर धाम पहुंचना कैसे है। दोस्तों श्री बागेश्वर बालाजी धाम जाने के लिए आपको देश के किसी भी राज्य से सबसे पहले ट्रेन पकड़कर आपको खजुराहो या फिर छतरपुर रेलवे स्टेशन आना होगा। अगर आप छतरपुर या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन आते हैं तो दोनों रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। दोनों ही रेलवे स्टेशन से, चाहे आप छतरपुर आए या फिर आप खजुराहो आए, दोनों रेलवे स्टेशन से आपको 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऑटो रिक्शा वालों को देना होगा। उसके बाद ऑटो रिक्शा वाले आपको आधे घंटे में बागेश्वर धाम पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप हमारी तरह अपनी पर्सनल कार से आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रात खजुराहो में स्टे कीजिए। दोस्तों इसके पीछे का कारण है कि बागेश्वर धाम में अभी सभी होटलों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर होटल जैसी कोई सुविधा नहीं है। वहीं अगर आप खजुराहो में रुकते हैं तो आपको 4 लोगों के लिए 1000 रुपए में अच्छा होटल मिल जाएगा, और उसके बाद आप एक दिन खजुराहो घूमने के बाद बागेश्वर धाम भी जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं खजुराहो से बाबा बागेश्वर धाम, और खजुराहो से बाबा बागेश्वर धाम की जो दूरी है वो 22 किलोमीटर है। अगर आप खजुराहो से शेयरिंग ऑटो लेते हैं तो 70 रुपए का लेंगे, और अगर आप बस लेते हैं तो बस वाले आपसे 50 रुपए लेते हैं, लेकिन वो आपको बाहर ही छोड़ देते हैं। जब आप बस से आते हैं तो बस वाले आपको यहीं इसी रोड पर लाकर उतार देंगे, लेकिन अगर आप ऑटो से आते हैं तो ऑटो वाले बोल रहे थे वो आपको बाबा बागेश्वर धाम के अंदर आश्रम तक लेकर जाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं बाबा बागेश्वर धाम में। हम अपनी कार से आए थे, कार को हमने यहीं पर पार्क कर दिया है, और हमारे मित्रगण अपने अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। जैसा कि ये देख रहे हो, गाड़ी में हमने अपने कपड़े रखे थे, हम कहीं और किसी और टूर पर निकले थे, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम का बुलावा आ गया तो हम यहाँ पर आ गए। तो ये है एक छोटा सा गांव जो बाबा की वजह से डेवलप हो रहा है। एक छोटा सा गांव है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, चारों तरफ पार्किंग ही पार्किंग है। और अभी चलते हैं, पूछते हैं पे पार्किंग का क्या चार्ज है या नहीं है, तो पार्किंग के लिए कैसे करें। अभी जैसे हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद क्या है, ये कैसा है? ये भगवान मन्नत के लिए होती है, अर्जी लगाना पड़ता है। अच्छा, इसमें से ये आपके मन्नत के लिए होता है। ये लाल काला पीला का क्या मतलब है? ये शादी ब्याह की अर्जी होती है। अच्छा, ये जो है बाधा के लिए होती है। अच्छा, ये कोई परेशानी होगी तो इसके लिए? इसके लिए काला वाला, और अगर शादी वादी का करना है तो इसके लिए। और ये किसके लिए लाल वाला? ये मन्नत के लिए होता है, अगर कोई मन्नत मांगनी हो तो इसके लिए। और इसके साथ साथ और प्रसाद में क्या मिलेगा? ये देते हैं ये धूप बत्ती और नारियल। तो अगर आपके यहाँ जैसे यहाँ पर कोई आता है पर्सनल कार से तो यहाँ पर गाड़ी पार कर सकता है और आपके यहाँ से प्रसाद ले सकता है। प्रसाद कितने का है, कैसे, कौन सा, कितने रेट का है? ये 20 रुपए का है। ये 20 का है, ये 20 का है, ये 10 का है। अच्छा, तो टोटल कितने का हुआ सब लेने के बाद? 120 रुपए का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 120 रुपए का प्रसाद है। जब आप अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर 120 रुपए का प्रसाद लेकर बाबा का दर्शन बाबा बागेश्वर धाम में जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बस आ रही है, तो यहाँ तक पूरी बस आती है, और ये रास्ता है जाने का मंदिर की तरफ, और ऑटो रिक्शा आते हैं, तो ये सारे साधन यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इस गांव का नाम है गढ़ा। तो जैसे हम वहाँ से चौराहे से गाड़ी लेते हैं तो वहाँ से ऑटो वाला कितना रुपए लेगा? वहाँ से बाबूजी 20 रुपए लेता है। 20 रुपए शेयरिंग में ना?
तो आप उस चौराहे से 20 रुपये शेयरिंग ऑटो में इस तरह से यहाँ तक आ सकते हैं। गाइस फाइनली हमने ये 120 रुपये का लाल वाला मन्नत वाला जो प्रसाद है वो मैंने ले लिया है और चलते हैं बाबा बागेश्वर धाम में, अपने प्रसाद को चढ़ाते हैं और आगे की फैसिलिटी बताते हैं कि आगे क्या है। और जब आप मंदिर की तरफ जाने लग जाओगे तो रास्ते में कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पर आपके खाने पीने की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लो, खाने पीने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आज क्राउड भी लग रहा है ज़्यादा है क्योंकि कल बाबा का यहाँ पर कथा स्टार्ट है, तो कथा 4 से 5 दिन चलेगा, तो यहाँ पर आज क्राउड थोड़ा ज़्यादा है। ये देखो भक्तगढ़, सब लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पर है ये पैदल मार्ग, तो हमें इस पैदल मार्ग से इधर जाना है। रास्ते में आपको जय श्री राम के बहुत सारे झंडे मिल जाएंगे। गाइस आप ये क्राउड देख सकते हैं बाबा बागेश्वर धाम के मंदिर में। दर्शन कहाँ से होता है? दर्शन किधर से होगा? अच्छा, ओके ओके। दर्शन करने के लिए आपको इधर से जाना है और आप ये सारे देख सकते हो जिन्होंने यहाँ पर अपना मन्नत मांग रखा है। यहाँ पे देखो सब ने अपना लाल लाल नारियल बांध रखा है, लाल कपड़े में, येलो कपड़े में। यहाँ पे इतने सारे नारियल चढ़ाए गए हैं और सिद्धपीठ बाबा बागेश्वर धाम। जूते चप्पल नहीं कर रहे? फाइनली बाबा बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। हम भी दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं और हमारी बारी आने वाली है। थोड़ा समय लगेगा, 15 से 20 मिनट का समय लगेगा दर्शन करने में ज़रूर। और यहां पर लोग दर्शन करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। चले जाओ आप आगे, चले जाओ। दर्शन करने के लिए यहाँ पर आपको करीब 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा, इससे ज़्यादा आपको दर्शन करने में टाइम नहीं लगने वाला है। और यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लोग बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आप 5 मिनट अपना भगवान को दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप आके हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। बोलो सिया रामचंद्र की। तो ये है सन्यासी बाबा की समाधि, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर है सन्यासी बाबा की समाधि। तो अब बारी आती है ये लाल चुनरी यहाँ पर बांधने के लिए और मन्नत मांगने के लिए। तो हम अपनी ये चुनरी इस तरह से बांध देते हैं यहाँ पर, और यहीं पर ही है बालाजी का टेम्पल और यहीं पर है महादेव का टेम्पल। तो महादेव के टेम्पल के सामने हम ये बांध रहे हैं और अपनी विशेष मांग रहे हैं। और अब हमने अपनी विशेष मांग ली है। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बागेश्वर धाम में और हमारे पीछे है ये बागेश्वर धाम का मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर। और हम यहाँ पर आए थे, हमने दर्शन कर लिया। दर्शन करने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और बालाजी का दर्शन कर लिया। बालाजी मंदिर के पास एक पेड़ है, उसको छूने से जिसके भी भूत पिशाच जो भी होता है वो वहीं पर प्रकट हो जाता है और भाग जाता है। तो आप जब भी यहाँ पर आएँ, अगर आपके पास, अगर आपके अंदर कुछ भूत पिशाच ऐसा कुछ है, तो आप उस पेड़ को छूकर जरूर जाइएगा। और कहते हैं कि यहाँ पर अगर श्रद्धा भाव से, दिल से अगर कोई मन्नत मांगी जाती है तो आपकी मुराद जरूर पूरी होती है। तो यहाँ पर आइए, नारियल चढ़ाइए, अपनी मुराद पूरी कीजिए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप शादी वाला नारियल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के नारियल चढ़ते हैं, जो आप अपने हिसाब से, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है, आप उस तरह का नारियल ला कर यहाँ पर चढ़ा सकते हैं।
और बाबा बागेश्वर धाम आपकी मन्नत को जरूर से जरूर पूरा करेंगे। और चलिए अभी यहाँ पर और दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटी है, और जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं वो किस तरह से यहाँ पर रह सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अब हमारी बात यह है हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो अब हम चल रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम में बैठकर हमने 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ा और कण कण मेरा शुद्ध हो गया महादेव की कृपा से, बाबा बागेश्वर नाथ धाम की कृपा से, बाबा बालाजी धाम की कृपा से मेरा कण कण शुद्ध हो गया। तो भाई बाबा सेकंड मंजिल पर रहते हैं और इधर से आएंगे और यहीं पर अभी रुकेंगे बाबा, और उनके लिए दर्शन के लिए सिर्फ एक झलक पाने के लिए इतनी भीड़ आप देख सकते हैं। दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे यहाँ कोई अगर धर्म और ग्रंथ से जुड़ा होता है तो हम लोग उसे बाबा बोलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक आदमी ने बताया कि अगर तुम गुरुजी को बाबा बोलोगे तो गुरुजी यहाँ पर जो है बुरा मान जाएंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि जब आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो गुरुजी वहाँ पर आपको मिल जाए। गुरुजी का हर किसी देश में कथा होती है, तो वो कथा के दौरान वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन इस बार मैं गया था और मेरा लक अच्छा था कि गुरुजी यहीं पर प्रेजेंट थे। ये गुरुजी का राम दरबार है और गुरुजी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। जब गुरुजी की कथा किसी दूसरे प्रांत में नहीं होती है तो वो अपने राम दरबार में रहते हैं, लेकिन जिन भक्तों को राम दरबार में उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं तो वो आप मंडप में जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं जहाँ पर वो कथा कहते हैं। राम दरबार से गुरुजी शाम को 4 बजे निकलते हैं और वो सीधा अपनी कथा वाली जगह पर जाते हैं। तो चलिए हम आपको उनकी कथा वाली जगह दिखाते हैं। संत मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद। गुरुजी सीताराम। जाते हो बाबा बागेश्वर धाम में, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे रहने खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था सब यहीं पर पार्क होती है। और यहाँ पर जो है ये सब दुकानें, जो सारी दुकानें हैं सब बाबा के नाम से यहाँ पर सब कुछ चलती है। और हमारी गाड़ी यहीं पर पार्क है, हम अपनी गाड़ी में चल रहे हैं बैठने के लिए। दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम की आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हो बाबा बागेश्वर धाम की।